नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा आठवीं के इतिहास विषय के पहले पाठ का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं स्वाध्याय को कैसे हल करना है। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। इतिहास के साधनों में रिक्त स्थान, साधन आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित हैं, लिखित, मौखिक, भौतिक और दृश्य श्रव्य। तो ये खाली स्थान में ये दृश्य शब्द लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पुणे के रिक्त स्थान गांधी स्मारक संग्रहालय में गांधी जी के जीवन विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगा खां पैलेस, साबरमती आश्रम, सेलुलर जेल, लक्ष्मी विलास पैलेस। तो खाली जगह में लिखना है आगा खां पैलेस। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान 20वीं शताब्दी के आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक अनूठा आविष्कार है। पोवाड़ा, छायाचित्र, साक्षात्कार और फिल्म। तो इसमें फिल्म रिक्त स्थान में लिखना है। निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। ये आइए देखते हैं इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। इसको हमने 2.1 नंबर दिया है। यहाँ पे देखिए समाचार, यहाँ पे नंबर दिया है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से, समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन की भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुए परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक कारण ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। विष्णु शास्त्री चिपलूरकर ने मासिक पत्रिका निबंधमाला में लोक हितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया। तो यहाँ तक इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दूसरा, आधुनिक भारत का के इतिहास का अध्ययन करने हेतु चित्र फीते अर्थात फिल्में अत्यंत विश्वसनीय साधन माने जाते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर है, फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। 20वीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के ध्वनि चित्र फीते फिल्में उपलब्ध हैं। इन चित्र फीतों फिल्मों के कारण घटित घटनाएँ हम ज्यों का त्यों देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, टिप्पणी लिखो। छायाचित्र यानी फोटो, आइए देखते हैं इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। यहाँ पर देखिए छायाचित्र फोटो, इसको हमने 3.1 नंबर दिया है। छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन हैं। छायाचित्रण कला फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे। इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी प्राप्त होती है। मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार घटित हुई, इनके चित्र उपलब्ध हैं, परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय हैं इस बारे में शंकाएं उपस्थित की जाती हैं। अगला प्रश्न है तीसरे में टिप्पणी लिखो, वस्तु संग्रहालय और इतिहास। यहाँ पे देखिए इतिहास, वस्तु संग्रहालय और इतिहास। इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती हैं। पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, दस्तावेजों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है श्रव्य साधन, जिसको हमने 3.3 नंबर दिया है। यहाँ पे देखिए दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्रों, ध्वनि मुद्रितों, रिकॉर्डों, फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। भौतिक साधन, इसमें भवन और वास्तु, रजवाड़ा, कारावास, किला, सड़क,
पुल, प्याऊ, प्रतिमाएं और स्मारक ये लिख लीजिए। और यहाँ आगे उपक्रम दिया गया है, उपक्रम आपको स्वयं पूर्ण करना है। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के विभिन्न छायाचित्रों का संग्रह अंतरजाल यानी इंटरनेट के माध्यम से करो। दूसरा, स्वतंत्रता युद्ध के विख्यात नेताओं और उनके चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करो, लिखो। ये सब आप नेट की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।